और भी विशाल कांवड़ यात्रा गंगूकुंड से प्रारंभ होकर आज यात्रा जो है आप देख पा रहे हैं महाकालेश्वर पहुंची है। आइए चलते हम के शर्मा साहब के साथ में, जो 12 वर्ष से लगातार संघर्ष करते आए हैं। आइए मिलते हैं, क्या रहा और 12 वर्षों में क्या कुछ एक सकारात्मक भक्तिमयी ये तस्वीरें निकल कर आई है। इस 12 वर्ष के अंदर आप देखो लोगों में बहुत धार्मिक भावना जगी है, और वैसे गंगूकुंड जो है गंगा जी का चौथा पाया है, और वहीं से लेकर के हम वहाँ ये पिछले 12वीं कांवड़ यात्रा हमारी आज ये संपन्न हुई है, और करीब 5000 सब कांवड़िया वहाँ से रवाना हुए थे, जो जोश खरोश के साथ सारे उदयपुर के अंदर सब सारे शहर के अंदर होते हुए महाकाल की जयकार करते हुए सभी आए हैं। और ये सभी गंगा जल से जब आज भगवान शिव को प्रसन्न करेंगे और अपनी मनोकामना जो हुए जो भी मन में हुई मांगेंगे, और महाकाल भी उनकी मनोकामना जरूर पूरी करेगा, इसी आशा और विश्वास के साथ कि भगवान जल से श्रावण मास के अंदर जल के अंदर बहुत प्रसन्न होते हैं, और यही महाकाल आज जोरदार इसके अंदर राशन है। और विशेष तौर से 8 अगस्त जो है ये इसका पाठोत्सव का दिन है महाकाल का, और इसी को लेकर के हम 12 साल से इस पाठोत्सव के दिन ही हम ये कांवड़ यात्रा निकालते आ रहे हैं। तो आज ये भारी कांवड़ यात्रा आपके सामने है, और मैं महाकाल को भाई सभी को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, क्योंकि पिछले महीने भर से हमारा 5 दिवसीय कार्यक्रम था, अलग अलग कार्यक्रम किए थे, वृक्षारोपण भी हमने किया था, महाआरती भी हमने की थी, और यूं करके सब लोगों को जोड़ने की बात की थी। हमारे साथ हमारे विप्रो फाउंडेशन के जोन के अध्यक्ष जी भी है, ये भी लंबे समय से लगे हुए हैं, ये भी हमारे कांवड़ यात्रा के उपाध्यक्ष हैं। मैं कहूँगा आदरणीय नरेंद्र जी की दोस्तों, हर हर महादेव, बम बम बोले, कालों के काल महाकाल के दरबार में सभी भोलेनाथ के भक्तजन, सभी कांवड़ यात्री गंगूकुंड से, जो गंगा जी का चौथा पाया माना जाता है, लगभग 5000 के लगभग सब कांवड़ यात्री उस गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं, और अपने शहर में, अपने राज्य में, अपने राष्ट्र में अमन चैन की भावना को लेकर, सुख समृद्धि की भावना को लेकर, शहर में शांति बनी रहे इस मंगल कामना को लेकर सभी भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। सभी कांवड़ यात्रियों का हार्दिक आभार धन्यवाद, और निरंतर 12 वर्ष से कांवड़ यात्रा उदयपुर में बड़े ही जोर शोर से भव्य रूप से निकाली जा रही है, और पिछले 12 वर्ष से देखा हमने उदयपुर की जिले खाली नहीं रही है, कहीं कहीं भगवान महाकाल के इस कांवड़ यात्रा का प्रभाव है। सभी का हार्दिक आभार धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम 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 बम, बोलो महाकाल भगवान की जय। देखो ये वैसे तो आप देखो हमारा हिंदुस्तान जो है भारतवर्ष से ये संस्कारों का और हमेशा एक जो हमारे ऋषि मुनि हैं उनके तब से ही हमारा सारा हिंदुस्तान टिका हुआ है, उनके तब से आज हमारे देखो हिंदुस्तान में कभी कोई विपता नहीं आई है, जब भी कोई ऐसी कोई हमारा ऊपर विप्र का ऐसा कोई वज्रपात हुआ किसी तरह का, तो हमारे ऋषि मुनियों को जो बताया मार्ग पर चल करके भगवान शिव ने और भगवान कृष्ण ने हमेशा साक्षात है। आज हमारे इस पृथ्वी के ऊपर बाकी सब तो लोग चले गए, भगवान अपने अपने स्थान के ऊपर, विष्णु जी ऊपर चले गए, लेकिन आज के इस युग के अंदर महाकाल, हनुमान जी, माता जी, बजरंगबली अभी भी सब यहाँ विचरण कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, और सभी के धन दिल के अंदर समाये हुए हैं, और सारी व्यवस्था जो संभाल रहे हैं आज वही सारी व्यवस्था हिंदुस्तान की संभाल रहे हैं, तभी हमारे हिंदुस्तान में अमन चैन है, आपस में भाईचारा है, आपस में प्रेम है और स्नेह है। जय जय महाकाल, जय महाकाल। बहुत बहुत धन्यवाद के शर्मा साहब को, जिन्होंने देखिए बहुत, हाँ तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से भक्ति की पताका जो है, हमारे साथ में दिनेश श्रीमाली जी आगे हैं। आज प्रातःकाल महाकाल की यात्रा आदरणीय के शर्मा जी और अर्चना जी शर्मा के नेतृत्व में हम सब गंगूकुंड से यहाँ जल लेकर हाजिर हुए हैं, महाकाल से निवेदन करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, और यही अपेक्षा करते हैं कि उदयपुर में, राजस्थान में और देश में अमन चैन और शांति रहे, पूर्ण बरसात हो और हम सब के घर परिवार में खुशहाली छाई रहे, यही भगवान महादेव से प्रार्थना है। धन्यवाद। हर हर महादेव। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से भक्तिमय तस्वीरें जो है आपको महाकालेश्वर मंदिर से, हाँ बिल्कुल, एक परम प्रेमी भी है।
और झील प्रेमी है और आज ये कांवड़ यात्रा निकली है तो झीलें भर जाएगी। बिल्कुल, आज 8 अगस्त गंगोद्भव से महाकालेश्वर से जो कांवड़ यात्रा पवित्र इस पवित्र यात्रा का महाकालेश्वर मंदिर सार्वजनिक प्रन्यास स्वागत करता है और हिंदू जन जागरण के लिए एक अनोखी यात्रा है ये और निरंतर ये यात्रा कई वर्षों से जारी है। आज इस प्रांगण के अंदर की पवित्रता और आज 2500 वर्ष से इस झील मंदिर का निर्माण की नींव रखने का और आज उदयपुर में आज़ादी के बाद ये पहला मंदिर बना है और इस मंदिर की नींव रखने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ। आज इसीलिए पावन पर्व पर हम सभी कांवड़ियों का और सभी भक्तजनों का स्वागत करते हैं इस सार्वजनिक प्रन्यास मंदिर ट्रस्ट की ओर से। जय जय महाकाल। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से आज ये भक्तिमय तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहाँ के शर्मा साहब के धर्म प्रेमी के नेतृत्व में ये पूरी कांवड़ यात्रा और आपके धर्म प्रेमियों के सहयोग से ये विशाल यात्रा आज जो है महाकालेश्वर प्रभु के दरबार में गंगूकुंड से पहुंची है। ये सुंदर तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है, सीधी तस्वीरें जो भक्तिमय तस्वीरें, छोटे छोटे बच्चों को भी यहाँ संस्कृति का पार्ट और संस्कृति से जोड़ा जा रहा है। कुल मिलाकर हम देखें कि यहाँ मैयाओं का भी जो समागम है वो बड़ा है। देखिए किस प्रकार से सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर और देखिए इस भक्ति की चेतना और भक्ति के सृजन के लिए ये भी कितना बड़ा योगदान दे रही। क्या हुआ आज महाकाल के गंगूकुंड से कांवड़ यात्रा आई है और बहुत ही आनंद आया है। हर्ष उल्लास के साथ में सभी बहनों ने भाइयों ने सभी ने कांवड़ ली और यहाँ तक पहुँचे और अंदर भगवान के जल अभिषेक हो रहा है। कल भी यही निकलेगा नज़ारा, वहाँ गंगूकुंड से वहाँ जाएगी, उबेश्वर जी के यात्रा पे जाएगी और वहाँ पे जल अभिषेक होगा। तो कल भी ज़्यादा से ज़्यादा सबसे हमारा कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी भाई बहनें बच्चे छोटे बड़े सभी हर्षोल्लास के साथ कांवड़ यात्रा लेके चलें। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से भक्तिमय तस्वीरें जो है महाकालेश्वर मंदिर से निकल रही है जहां आपस में चर्चा करते हुए भक्तिमय नज़ारे, भक्तिमय आनंद जयकारे सब यहां पर दिखाई दे रहे हैं और आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से यहां मैया बिराजी हुई है और हर तस्वीर अपने आप में पूर्ण है। यहां कोई किसी से कम नहीं, सभी भोलेनाथ के भक्त हैं। जी स्वागत। मेरा नाम अर्चना शर्मा है। हम 12-13 साल से हमारे गंगूकुंड से महाकालेश्वर के जलाभिषेक के रूप में हम आते हैं यहाँ पे जलाभिषेक करने के लिए महाकाल को, और कांवड़ यात्रा में हजारों की संख्या में धर्म प्रेमी बहनें हमारी आती है। हमारी संयोजक कुसुम जी शर्मा जी है और मैं हूँ और हमारी पदाधिकारी सब यहाँ बैठे हैं, इनके नेतृत्व में सारे कार्यक्रम होते हैं। कांवड़ भी बनती है, 10-15 दिन से तैयारियां चलती है और आज शेख कुशल शाह आनंद हमारे कांवड़ का कार्यक्रम निपटा है। अब हम जलाभिषेक करेंगे और जो भी मन्नत है हमारी भगवान पूरी करेगा, ये आशा और अपेक्षा है। जय महाकाल, जय महादेव। धर्म की बात पे तो कौन सा अलग अलग मंच है, एक ही मंच है सनातन धर्म, और धर्म में तो हमारा हिंदू धर्म सनातन धर्म जो सबसे प्राचीन है, उसमें कौन सी पार्टी कौन सा दल, हम सब एक ही पार्टी के, कांग्रेस के नेता है, मैं भाजपा के नेता हूँ, बिल्कुल है। अरे सब इसमें हमारी कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, इसके नाम सब सनातन धर्म के है हर व्यक्ति जी है जी, बिल्कुल इसमें प्रेरणा क्या, हर बार ही होता है हमारे तो, हमारा तो विप्र संगठन में भी कांग्रेस बीजेपी होती है और सभी संगठन में सब होता है हमारे। धन्यवाद, जय हिंद। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से नज़ारे तस्वीरें हैं जहां पर कोई भेदभाव नहीं है, सब एक मंच पे एक जगह एक स्थान पर बिना भेदभाव बिना किसी और सभी एक मंच पर भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हुए, देखिए हाथ में कांवड़ लिए प्रभु की इन